नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। कानपुर से सैयद जुल्फीक सीनियर रिपोर्टर के साथ ब्यूरो चीफ हरुण जाफरी कानपुर। कानपुर में गंगा प्रदूषण एवं जल निगम श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा गांधी प्रतिमा फूलबाग कानपुर एक दिवसीय धरना दिया गया। वक्ताओं ने गंगा प्रदूषण इकाई का कार्य सभी संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने, ईएसआई बोनस आदि का भुगतान न करने को कहा। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि सरकार से जल निगम के अधिकारियों को संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची देने के बाद भी नियुक्तिकरण करने का आदेश जारी न कर दिया गया था, परंतु लागू नहीं किया गया था, जिसे लागू कराने की अपील की गई। मजदूर नेता दिवारी लाल, श्याम सिंह, विनोद तिवारी, दीपक पांडे, राजू रावत, सुनील माझी, नरेंद्र वाजपेयी एवं सैकड़ों की तादाद में मजदूर ने एसीएम सिटी कानपुर को ज्ञापन दिया। एसीएम महोदय ने जिला अधिकारी कानपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मजदूरों की बात पहुँचाने का आश्वासन दिया। ये गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई में काम करने वाले लगभग 250 कर्मचारी, ये 20 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नियुक्तिकरण नहीं है। इनकी और भी समस्या न सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। ईएसआई ईपीएफ का कवरेज नहीं हो पा रहा, मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा, और जब उस मांग को उठाते हैं तो अधिकारी इनके एक्शियन और अधीक्षा अभियंता बोलते हैं कि ये तो ठेके के कर्मचारी, जब ठेके के हैं नहीं, इनसे सीधे विभाग काम लेता है, विभाग इनका पेमेंट करता है, इनकी कोई घटना दुर्घटना होने पर विभाग ही पेमेंट करता है। तो इस प्रकार ये जो इनका नियुक्तिकरण का मामला है, जबकि 3 मार्च 2017 को एक शासनादेश आया था कि जल निगम, स्वायत्त शासी ऐसे जितने विभाग हैं उनमें काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनका रेगुलराइजेशन किया जाए, लेकिन उस शासनादेश की भी अवहेलना की जा रही है, अधिकारी उसको मानने के लिए नहीं तैयार, इसलिए हमने यह हल का धरना आयोजित किया है। आगे अगर समस्याएं नहीं हल होती तो हम 12 फरवरी को विधानसभा पर धरना देंगे। ज्ञापन तो लेने के लिए आप कहाँ से अधिकारी? ज्ञापन लेने हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, अभी ज्ञापन ले गए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन आपका तैयार करके सहायता जो भी करेंगे। अच्छा, माता की जय, राष्ट्रभक्त मजदूरो एक हो, एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरो एक हो, एक हो। जल निगम कर्मचारियों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जल निगम के कर्मचारियों को नियमित करना होगा।